जिसका रियल नेम है जोलैंडर, वो इसी 1 जुलाई 2023 में एक्सपायर हो गया। काफी दुख की बात है क्योंकि वो बहुत अच्छा एक बॉडी बिल्डर था, पूरे इंस्टाग्राम पे छाया हुआ था, उसके 8 मिलियन फॉलोअर्स भी थे। उसके कई दोस्त थे जो बॉडी बिल्डर थे, जैसे लैरी वेल्स, रोनी कॉलमैन और क्रिस बॉम्सन वगैरह बहुत सारे। गाइज आप सब लोग बोल रहे हैं कि उसकी डेथ हार्ट अटैक से हुई, ज़्यादा प्रोटीन लेने से हो गई, या एनाबॉलिक या फिर सिंथॉल ऑयल इंजेक्शन की वजह से हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, सब जिम को बिन फजूल में बदनामी कर रहे हैं। मेन वजह मैं बताता हूँ, उसकी मेन वजह ये है, जो आप ब्लड वेसल होती है नर्व हमारी, हाँ, उसके सबसे पहले नेक में दर्द हुआ था और फिर ब्रेन में, फिर डेथ हुई थी उसकी। तो गाइस मैं बताता हूँ हुआ क्या था। हमारे जो मेन नर्व्स होती है ना गाइस, जैसे हम कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, जैसे मतलब अंडे के येलो पार्ट में कोलेस्ट्रॉल होता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है बैड भी होता है, बट वो गुड भी ना कई बार हमारे लिए हार्म हो जाता है। तो हुआ क्या था, जब जो हमारी नर्व होती है ना, उसके अंदर की तरफ ना हल्के हल्के ब्लड वेसल्स ना इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना ब्लड जाना हल्का हल्का कम हो जाता है। तो हुआ क्या था, उसके ना नेक में और उसके दिमाग में ना एक जगह कमजोर नर्व थी, जहां पर वो चीज हो रही थी। जब वहां होने लग गई ना धीरे धीरे, तो वहां पर एकदम से पहले उसके नेक में दर्द होना शुरू हो गया, तो वो हॉस्पिटल में गया तो उधर ठीक हो गया। बट एकदम से ना हुआ ये कि ना एक दाना टाइप हो गया, मतलब जैसे मैं बताता हूँ एक नर्व है जैसे, तो जब एक जगह इकट्ठी होगी तो ऑब्वियस सी बात है बड़ी होती जाएगी। ब्लड नर्व वहां पे बिल्कुल खत्म हो गई थी, तो एकदम से जैसे ही फूटा ना तो उसका ब्रेन हैमरेज हो गया, उसकी डेथ हो गई। ये कारण था मेन। लोग बोलते हैं कि यार उसने प्रोटीन एनाबॉलिक ज्यादा ले लिया। गाइस वो पता है अपनी पूरी वैक्सीनेशन भी अच्छे से करवाता था, यहाँ तक कि वो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के टाइम पर भी ना ओवरडोज नहीं करता था एनाबॉलिक की, नॉर्मल लेता था। गाइस मैं भी एक जिम लवर हूँ, बट सब लोग बोलते हैं कि यार ऐसे ऐसे। गाइस अपनी मर्जी होती है, और आपको पता है कोई भी चीज अगर आप ज्यादा लिमिट में लोगे ना तो ऑब्वियस सी बात है वो गलत ही होगी। अब एक बात बताओ, अगर आप ज्यादा दूध पियोगे ना तो उससे भी आपका पेट खराब ही होगा, ये नहीं कि ज्यादा दूध पी रहे तो वो अच्छा ही होगा, नहीं। तो इसलिए हर चीज को अगर हम लिमिट में लेना तो ज्यादा अच्छा है। उसने भी एक लिमिट में ही ली थी।